बरसात के दौरान वन मंडल धर्मशाला द्वारा 1 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। वहीं प्रदेश स्टेटहुड डे के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में वन विभाग ने वार्ड सदस्यों को भी 51-51 पौधे वितरित करने का निर्णय लिया है। बरसात के दौरान हर वर्ष पौधारोपण किया जाता है, जिसको लेकर वन विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। DFO धर्मशाला डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत बरसात के दौरान 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। धर्मशाला वन मंडल के तहत 5 वन परिक्षेत्रों के 85.5 हेक्टेयर एरिया में पौधारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुरानी प्लांटेशन की देखरेख का काम भी किया जाएगा। KFW प्रोजेक्ट के तहत गठित विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटियों के माध्यम से 450 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जाएगा। सभी पंचायतों के वार्ड मेंबर्स को 51 पौधे वितरित किए गए हैं, जिन्हें वार्ड मेंबर्स सरकारी व निजी और वन भूमि पर रोपित करेंगे। ये कार्यक्रम प्रदेश के स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। देखिये, वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत हमारे 5 बनकर क्षेत्र अधिकारी हैं, जो शाहपुर, लपियाणा, कांगड़ा, मलां और धर्मशाला में बैठते हैं। इन सभी वन क्षेत्र के अंतर्गत विभाग के द्वारा 85.5 हेक्टेयर एरिया में इस बार प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग हम 1 लाख के लगभग पौधों का रोपण करेंगे। इसके अलावा जो हमारी पुरानी प्लांटेशंस हैं, उनकी मेंटेनेंस का कार्य भी किया जाएगा, तथा एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट KFW जो एक जर्मन सरकार द्वारा फंडेड है, उसके तहत हमारी जो 51 BFMS विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी हैं, उनके अंतर्गत यूजर ग्रुप के माध्यम से लगभग 450 हेक्टेयर का पौधारोपण किया जाएगा। अभी तक वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत 2.5 लाख पौधे का इस मानसून सीजन में रोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वन विभाग ने 2 दिन का प्लांटेशन कैंपेन रखा हुआ है, जो कि आज और कल 20 और 21 जुलाई को मनाया जाएगा, और पूरे जो हमारे प्रदेश का 10 लाख पौधारोपण का इसमें लक्ष्य रखा गया है। वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत इसमें 25 हेक्टेयर 5 रेंजेस में पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस साल कोविड महामारी के मद्देनज़र ये एक निर्णय लिया गया है कि जितनी भी पंचायतें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हैं या वनमंडल धर्मशाला के अंतर्गत आती हैं, उनके सभी वार्ड मेंबर्स को 51 कुंजा पौधे वितरित किए जाएंगे, जो वार्ड मेंबर वन भूमि पे, अपनी निजी भूमि पे या और सरकारी भूमि पे लगा सकते हैं। ये जो 51 पौधों का वितरण का लक्ष्य रखा गया है, ये हमारे 50 साल जो स्टेटहुड के कंप्लीट हुए उसको सेलिब्रेट करने के तौर पे रखा गया है। इसके अतिरिक्त वन विभाग की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, एक बूटा बेटी के नाम, जिसमें अगर किसी परिवार में किसी बेटी का जन्म होता है तो वन विभाग उस बेटी के नाम पे उस परिवार को 5 पौधे, 5 ट्री गार्ड जिसके किरणू कहते हैं लोकल भाषा में, तथा बर्मी कंपोस्ट, 4 किलो बर्मी कंपोस्ट हर पौधे के साथ दी जाती है। ये पौधे जो भी बेटी का पिता है अपनी निजी भूमि पर रोपित किया, बेटी के जन्मदिन को याद रखने के स्वरूप अपनी निजी भूमि पर रोपित कर सकता है।